अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई रेसिपी में। आज हम लबनानी कबाब बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितने अमेजिंग लग रहे हैं। इसकी रेसिपी है इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आइए हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। लबनानी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं। आलू हमने हाफ के जी ले लिए, यानी कि आधे किलो आलू ले लिए हैं, और उसको हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैंने इसे मैश कर लिया है। देखे, हरा धनिया ले रही हूँ और हम मिर्चें शामिल करेंगे, यानी कि मिर्चों को हमने चॉप कर लिया है। दो अंडे हैं मेरे पास, या हमारे पास क्रश चीज़ है, या 3 to 4 टेबलस्पून मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। यहाँ हमारे पास बॉयल पीस है, यानी कि हमने बॉयल मटर ले लिए हैं। और यहाँ मेरे पास कीमा है, ये मैंने बीफ ले लिया है, यानी कि हमने गाय का कीमा ले लिया है। और मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल के इसको बॉयल कर लिया है। बाकी मैं हसबे ज़रूरत इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी, वो आपको बताती हूँ क्या क्या स्पाइसेस हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। पहले मैं डाल रही हूँ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, नमक शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। जायके के मुताबिक आप नमक शामिल कर सकते हैं। मैं कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। मैं कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब मैं 2 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। शामिल कर दिया मैंने। यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप हुआ हुआ था, ये शामिल करेंगे। ये देखिए, सारे हरी मिर्च और धनिया शामिल कर दिया। साथ ही मैं पीस यानी कि मटर शामिल कर दूंगी। बॉइल्ड है, आप बॉइल कर लीजिएगा। बॉइल करने से एक मटर का कलर ख़राब नहीं होता। साथ ही मैं कीमा शामिल करूँगी। ओके, हमारा मटेरियल रेडी है। अब मैं एक थोड़ा सा मटेरियल लूँगी, अपने हाथों की मदद से इसे फैलाऊँगी। हाथ पे मैंने ऑयलिंग कर ली है थोड़ी सी, आप भी कर लें हल्की सी। ऑयलिंग करके इसको फैला लें इस तरीके से। फैला मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे सेंटर में चीज़ रखनी है। फिर से चीज़ ले लेंगे हम और इसको सेंटर फिल कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, और इसको आराम आराम से हम इसे बंद करेंगे। थोड़ा सा हम और लगाएंगे बैटर, उसको कवर कर देंगे अच्छे से। हाथों की मदद से आप इसे शेप दे दें। आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप इसको लंबी शेप भी दे सकते हैं, ये इज़ अप टू यू। मैंने इस लंबाई में कटलेट शेप दी है। ये देखिए, हमारा कबाब रेडी हो गया है। कबाब रेडी हो गया है, अब मैं इसमें अंडे में इसको कोट करूँगी। साथ हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, एक लबनानी कबाब हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे बना रही हूँ। देखिए, सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। मैंने कटलेट शेप दिया है, आप इसे कबाब शेप भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। ये रेडी हो गए, अब हम फ्राई के लिए चलते हैं। मैंने फ्राइंग के लिए ले लिया है, इतना तेल लिया है जितने में आप फ्राई कर सके कबाबों को। अब मैं एक एक करके डालूंगी। तेल हमारा गर्म है, आराम से डालेंगे। ये देखिए, मैंने तेल पहले से गर्म कर लिया था। आप स्टिक की मदद से तेल को चेक कर सकते हैं कि तेल गर्म हो गया है या नहीं, फिर आप डालिएगा। ये देखिए, हमने दूसरे भी डाल दिए। अब हम दो दो करके फ्राई करेंगे, वरना कबाब टूट सकते हैं। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप उस हिसाब से डाल दें। मैंने पहले दो डाल दिए थे, कढ़ाई में मेरे स्पेस था, मैंने एक और ऐड कर दिया है। एक साइड को पहले हम फ्राई होने देंगे, फिर हम टर्न करेंगे। देखिए, मैंने कबाबों को टर्न कर लिया है, एक साइड से गोल्डन हो गए हैं, नेक्स्ट साइड मैंने टर्न कर दिया है ताकि वो भी गोल्डन हो जाए। हम हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता निकाल लूँगी। स्टेनर की मदद से आप एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लें। ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। एक्सेस ऑयल इसका निकलने दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लबनानी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। ये देख सकते हैं आप कितने कलरफुल, मज़े के गोल्डन, इस पर कलर आया है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये थी आज की मेरी स्पेशल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें।
लाइक शेयर करना मत भूलिए। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए रेसिपी। हाजिर होंगे आपके साथ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।